ढाका वाले लोग कह रहे हैं हम पीछे वालों को नहीं देखने लगे, हमारे ऊपर पानी की बूंद न पड़े, हमारे आस पास वालों के ऊपर छाते की बूंद पड़ती रहे। रावण जलाया जाता है, ये जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाती है, दूसरे धर्मों में जो आत्मा आती है ऊपर से वो देवता धर्म में होकर कन्वर्ट हो जाती है, तो इसके बारे में आप अभी तो बताया, बातों में लगी गई नहीं सुना, अभी फिर दोबारा पूछ रही है। ऊपर से आने वाले जो विधर्मी धर्म पिता विदेशी धर्म पिता है, काम वासना बढ़ाने वाले हैं, दुर्विचार बढ़ाने वाले हैं, कामी इस्लामी क्रोधी क्रिश्चियन लोभी मुस्लिम वही आरी समाजी अहंकारी रहती है, धर्मों के जो मुखिया है
जब भगवान के घर से आते हैं तो पावन पावन आत्माएं आती है या पतित आत्माएं आती है? पावन आत्माएं आती है। पावन आत्माओं को उस समय रावण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सात्विक बुद्धि वाले होते हैं। चालू युग के अनुसार जो भी बातें सुनाते हैं वो धर्म की ही बातें सुनाते हैं। बाद में उनके फॉलोअर्स उस धर्म के नाम पर अधर्म पैदा कर देते हैं। ऊपर से जो आने वाले धर्म पिता हैं, वो गर्भ में प्रवेश कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? ऊपर से आने वाली पावन आत्माएं जो द्वापर से आती हैं, वो गर्भ में प्रवेश कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं? अरे गर्भ में प्रवेश करती है, वो गर्भ में प्रवेश नहीं कर सकती है। जैसे शिव बाप है, एवर प्योर है, तो गर्भ में प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसे ही जो भी आत्मा परमधाम से आती है, चाहे वो धर्म पिता श्री हो या कोई भी आत्मा हो, वो पहले जन्म में गर्भ में प्रवेश नहीं कर सकती। तो क्या करेगी? देवता धर्म की आत्माएं जो पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ती, भगवान आते हैं, परिचय देते हैं, परिचय मिलने के बावजूद भी, अंजाम करने के बावजूद भी, कोई तो खून से भी नीचे पत्र लिखते हैं, स्टाम पेपर भी लगते हैं, फिर भी बाप को छोड़ के चले जाते हैं, अनिश्चय बुद्धि बन जाते हैं। ऐसी आत्माएं कमजोर आत्माएं बनेंगी या पावरफुल आत्माएं बनेंगी? कमजोर बन जाती हैं, कम कलाओं वाले देवता बनते हैं, कम जन्म लेने वाले देवता बनते हैं, सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बन पाते। वो कच्ची कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं जो द्वापर कलयुग में और धर्म में कन्वर्ट हो जाती है। वो ही रावण के रूप है जो द्वापर और कलयुग शुरू होते ही समोपधान बन जाते हैं। समोपदान बनती है, पतित बनती है, ऊपर से आने वाले धर्म पिता और उनके फॉलोअर्स उनमें प्रवेश करते।
उनको अपने धर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। वो आते ही ऐसे युग में है जो युग 16 कला संपूर्ण नहीं हो सकता। अहिंसक युग नहीं हो सकता। उनके द्वारा स्थापन किया हुआ धर्म भी अहिंसक नहीं हो सकता। सोलह कला संपूर्ण नहीं हो सकता। सर्वगुण संपन्न नहीं हो सकता। मर्यादा को पालन करने वाले नहीं हो सकते। जैसे सतयुग में कृष्ण और राधा की मर्यादा रहती है। क्या मर्यादा? कृष्ण की दृष्टि राधा में ही डूबेगी और राधा की दृष्टि कृष्ण में ही डूबेगी। वो विचार को फैलाने वाले धर्म है। और रावण अभिविचारी था कि विविचारी था? विविचारी था। जो विविचारी होते हैं वो चोरी चकारी डकैती करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं। तो जिनमें प्रवेश करते हैं, जिन कच्चे कन्वर्ट होने वाले देवताओं में प्रवेश करते हैं, उनको भी चोर चकार बना देते हैं। ऊपर से आने वाली तो आत्माएं हैं, उनका अपना शरीर नहीं होता है। तो शरीर किसका होता है? कन्वर्ट होने वाले देव आत्माओं का अपना शरीर होता है, अपना चेहरा होता है। वो चेहरा ही रावण का रूप दिखाया जाता है। जिसमें वो कामी इस्लामी प्रवेश करता है, सौ % व्यभिचारी बनाता है। तो वो हुआ रावण का काम विकार वाला मुख, जो ऐसे चरित्र करता है। इसकी शूटिंग कहीं होती है कि नहीं होती है? कहाँ होती है? ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में ही इसकी शूटिंग होती है। बलक राशि में स्वरथ का मॉडल तैयार हो जाता है। जाके लिए बोला मुरली में कि एक ही बंगले में 300-400 कन्याएं माताएं रही पड़ी थी। एक बाबा के सिवाय और किसी को देखते ही नहीं थे। तो संग का रंग किसका लगेगा? आप भी विचारी बनकर के रहे तो, लेकिन वहां एक ऐसा पुरुष भी था जो पाकिस्तान में बाहर के मुसलमानों से कनेक्शन रखता था। सब्जी दूध अनाज वगैरह लाने का प्रबंध करता था। वो कराची के संगठन में अंदर आना जाना करता था। तो उसे बाहर की दुनिया का संग का रंग लगता था या नहीं लगता था?
तो अंदर आकर के करप्शन फैलाएगा या नहीं फैलाएगा? इसलिए शास्त्र में दिखाया है कि पांडव स्वर्ग में गए, चलो वो स्वर्ग नहीं था, स्वर्ग का मॉडल था, परंतु पांडवों के साथ तो कौन गया? कहा भी कुत्ता भी घुस गया। ये वही आत्मा थी जिसको बाबा ने लगी का सारा कारोबार सौंपा हुआ था। पुरुषों के बीच जो भी पांडव नामधारी थे उनमें वही मुखिया था बाबा की दृष्टि में, और मम्मा की चली छोड़ने के बाद कौन मुखिया बना? है जिसको अमेरिका के अखबारों ने जगदम्बा का टाइटल दे दिया, कौन बना? कुमार का दादी। मम्मा के बाद मम्मा की गद्दी में सिंह कौन बना? कौन हुआ? कुमार का दादी। और ब्रह्मा के रहते रहते ब्रह्मा ने अपना सारा कारोबार किसको सौंपा? विश्व किशोर भाऊ को। तो ये शूटिंग हो गई सेकंड नारायण और नारायणी की, कुमार का दादी कहती भी थी कि मैं बाबा की गद्दी नसीब बनूंगी, लेकिन बुद्धि में ये नहीं आया कि सतयुग का जो दूसरा नारायण होता है वो कम कलाओं वाला होगा। सूर्यवंशी नहीं होगा, फेलियर होगा। सूर्यवंशी तो 16 कला संपूर्ण होते हैं, तो चौथाई कला फेल हो गया, वो कमजोरी द्वापर युग से देखने में आती है। ऐसी कमजोरी पड़ी जो कुमार का दादी से भी नहीं छूटी, जिस किशोर भाऊ से भी नहीं छूटी, स्कूल विकारों में तो जाना बंद हुआ था लेकिन आंखों से दृष्टि का लेन देन शुरू हो गया, दृष्टि का व्यभिचार चलता रहा। और कुमार का दादी तो खुलेआम चंदली पर बैठ के दृष्टि देती थी। दृष्टि से शक्ति सुधारने का काम एक परमपिता परमात्मा का है या मनुष्यात्माओं का है? एक परमपिता परमात्मा का है। तो वो विचारी दृष्टि वृत्ति का फाउंडेशन लगाने वाला रावण का पहला मुख और छठा मुख मंदोदरी का तैयार हो गया। पांच मुख पुरुष के और पांच मुख स्त्रियों के, जो यहाँ गद्दी नकीन बने मम्मा बाबा के,
वो सतयुग में भी जाकर के गद्दी में तीन नारायण बनते हैं, परंतु भारत के शास्त्रों में सात नारायणों का कोई गायन है, पूजन है, मंदिर बनते हैं, मूर्तियां बनती हैं, क्यों नहीं बनती? क्यों नहीं उनके मंदिरों में पूजा होती है? क्योंकि वो पवित्र नहीं बने, वो अपवित्र के अपवित्र ही रह गए, विचारी के विचारी ही रह गए, जो द्वापर कलयुग में जाकर के दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और भारतवासियों को धोखा दे जाते हैं। यही रावण संप्रदाय है। कोई तो 100% कामी होगा, ये सब होंगे है? कोई एक ही होगा, बाकी नंबरवार होंगे। कोई तो 100% क्रोधी होगा, बाकी नंबरवार होंगे। कोई तो 100% लोभी होगा, हिस्ट्री में तो उसका नाम बहुत विख्यात है। लोभ में आकर के हिंदुओं का जो सबसे बड़ा मंदिर था उस पर कितने आक्रमण किए हैं? सबसे बार आक्रमण किए, सारे मंदिर को नहीं, ढेर के ढेर मंदिरों को तहस नहस करके चला गया, सारा धन लूट के चला गया। इतना लोभी था, वो भारत में आए लेकिन सात धर्म वालों को उन्होंने दरवाजा खोल दिया। कोई भी धर्म वाला हो, कोई भी कन्वर्ट हो, कोई भी गिरा हुआ हो, वो आकर के हिंदू बन सकता है। तो नीचे धर्मों में से जो आत्माएं आएंगी वो नीचता के वाइब्रेशन फैला देंगी या श्रेष्ठता के वाइब्रेशन फैला देंगी? कौओं की तरह काव काव करने वाले बन गए। और ही कौओं की तरह गंध खाने वाले बन गए। ढेर से ढेर फाइव स्टार होटल बना दिए। जिन फाइव स्टार होटलों में भारत की ढेर कन्याएं कालगर्ल पहन करके पहुंचने लगी, होटल मैनेजर ने फोन किया, कॉल किया, आ जाओ, बस से पहुंच गई। माँ बाप को पता ही नहीं है कहाँ गई। ऐसा ही कौए बेविचार फैलाते हैं, गंध फैलाते हैं। और रशिया में तो धर्म का नाम निशान नहीं है। बच्चा पैदा होता है, माँ बाप से लेकर के नर्सिंग होम में डाल दिया जाता है। थोड़ा बड़ा होता है, नर्सिंग होम से निकाल करके स्कूल में डाल दिया जाता है। और बड़ा हुआ है, स्कूल से निकाल के कॉलेज में डाल दिया गया, हॉस्टल में डाल दिया। और बड़ा हुआ है, ट्रेनिंग स्कूल में हॉस्टल में डाल दिया। पूरा बड़ा हो गया तो उसको सरकारी नौकरी दे दी गई। अब वो बच्चा अपने माँ बाप को पहचानेगा? लग रहा है।
मान लो 16-18 साल का बच्चा हो गया, उसकी माँ 30-32 साल की हो गई, बच्चा भौरे रूप स्वरूप का और माँ गोरी चिट्ठी सुंदर पढ़ने की, कारखाने में दोनों का मेल हो जाता है, पहचानेगा? तो क्या ये जानवरों की जिंदगी नहीं हो गई? जानवर अपनी माँ को अपनी बहन को पहचानता है? ये अधर्मियों की दुनिया बन जाती है। इसका फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? ब्राह्मणों की दुनिया में फाउंडेशन पड़ता है, जो ज्ञान पूरा उठाते ही नहीं, उठा देंगे भी कहां से, बाप को पहचानते ही नहीं। कोई बाप की पहचान दे तो क्या कहते हैं है? हम नहीं सुनेंगे, बाबा को याद करो, अल्लाह अकबर। ये है रावण संप्रदाय, जो रावण के चेहरे अभी ब्राह्मणों की दुनिया में तैयार हो रहे हैं। मंदोदरी के चेहरे ब्राह्मणों की दुनिया में तैयार हो रहे हैं। राम वाली आत्मा ज्ञान बाण फेंक फेंक करके उन रावणों को मारने का प्रयास करती है, और रावण के सर कटते भी हैं, फिर भी क्या होता है, नए सिर निकल आते हैं। हर बार संक्षेत्र से लेकर के राम और सावन संप्रदाय के द्वारा ढेर के ढेर बाण मारे जाते हैं रावण को मारने के लिए, परंतु रावण मरता है? इकहत्तर से लेकर के 2011 कितने साल हो गए? 35 साल से ज्यादा हो गए। रावण का आकार बढ़ रहा है या घट रहा है? और ही बड़ा आकार होता जाता है। उसकी यादगार में भक्ति मार्ग में हर वर्ष रावण का बड़ा पुतला बनाते हैं या छोटा बनाते हैं? और ही बड़ा पुतला बनाते हैं। राम तो दिखाई भी नहीं पड़ता, कहाँ आया कहाँ गया। रावण संप्रदाय वालों को दिखाई पड़ता है या राम संप्रदाय वालों को दिखाई पड़ता है? राम संप्रदाय वालों को नंबर वार वो भी दिखाई पड़ता है। छोटा होगा तो दिखाई पड़ेगा या बड़ा होगा तो दिखाई पड़ेगा? बड़ा। अरे रावण बड़ा बनाते हैं, बहुतों को दिखाई पड़े, सारी दुनिया में दिखाई पड़े, खूब प्रत्यक्षता हो जाए। और राम का तो दुनिया वालों को पता भी नहीं पड़ता, इतना छोटा बनकर के आता है। तो भक्ति मार्ग में क्या करते हैं? रामलीला में राम को छोटा दिखाते हैं और रावण को बड़ा दिखाते हैं।
अरदास जलाते हैं। रावण का घी जलता है, असलियत को जानता है कि नहीं जानता है? जानता है, जानता है कि भगवान हमको नहीं मिला। उनको मिल गया जिनको हम गृहस्थी गृहस्थी समझते थे, जिनको हम समझते थे घरग्रस्त की कीचड़ में रहने वाले हैं, और हम तो आश्रम में पलने वाली कन्याएं हैं, हम पवित्र रहते हैं, हमको भगवान मिला है। लेकिन अंदर से अब जान गए क्या कि हमको भगवान नहीं मिला, गरीबों को भगवान मिल गया। भगवान तो गरीब निवाज है, हम तो बड़े बड़े घरों से आई थी, सिंध हैदराबाद में स्थापना हुई थी तो बड़े बड़े घरों को छोड़ करके आई, करोड़पति घरानों को छोड़ करके आई थी। ब्रह्मा बाबा भी क्या थे? करोड़पति थे, गरीब नहीं थे। तो दिल जलता है कि हमने इतनी साल मेहनत की और भगवान हमको नहीं मिला। रूप में जलने की बात है या दिल को जलने की बात है? दिल को जलने, दिल जलाने की बात है। पर तो बाप कहते हैं ये रावण जलाने से कोई दुनिया में स्वर्ग नहीं बन जाएगी, राम ने रावण को भी मुक्ति दी या नहीं दी? रावण को भी मुक्ति दी। तो हम बच्चों का भी काम है, रावण संप्रदाय वालों को भी गले से लगा के रखे, उनके प्रति भी शुभ भावना शुभ कामना का दम दे। वो सामने तो ज्ञान के बाण ना मारे, नुकीले नुकीले। प्यार से भी उनको उठाया जा सकता है। प्यार एक ऐसी चीज है जो पत्थर को भी पिघलाई देता है, लेकिन अंदरूनी प्यार होना चाहिए। पीछे से तो सच्चाई बतानी है दुनिया को, परंतु सामने आने पर तो किसी का दिल घायल नहीं करना चाहिए। तो रावण कौन और राम संप्रदाय कौन, इसका भी पूरा पूरा ज्ञान चाहिए। अपने चेहरे को भी ज्ञान दर्पण में झांक के देखना है कि हम दुखदाई रावण का पाठ बजा रहे हैं या सुखदाई राम का पाठ बजा रहे हैं। अभी चेहरे तैयार हो रहे हैं, शास्त्रों में जो भी चित्र दिखाए गए हैं इन चित्रों का भी चित्रण किया गया है,
अजंता एलोरा एलिफेंटा की बड़ी बड़ी पहाड़ों की गुफाओं में जो चित्र बनाए गए थे, राक्षस संप्रदाय के भी बनाए गए, देवताओं के भी बनाए गए, वो सारे चित्र भी तैयार हो रहे हैं। बाप की प्रत्यक्षता के बाद नंबरवार सबके चेहरे प्रत्यक्ष होते रहेंगे। तो अपन को गहराई से देखना है, कहीं हमारा चेहरा राक्षसी संप्रदाय का न प्रत्यक्ष हो जाए। जो चोरी करने वाले हैं उनको चोर कहा जाता है, चोर छोटे बड़े होते हैं कि एक जैसे होते हैं? छोटे बड़े होते हैं। हर धर्म में अच्छे और बुरे सब होते हैं कि किसी धर्म में बुरे ही बुरे होते हैं? सब अच्छे भी होते हैं, जैसे सूर्यवंशियों में मुख्य 12 मणके माला बनाई जाती है, तो हर धर्म के 12 मणके होते हैं। आस्तिक धर्मों के 12 मणके होते हैं, 9 आस्तिक धर्म है। और 12 नमाज तो 8 मणके है, तो माला बनती है। सूर्यवंशियों की जो माला है वो 6 मणकों की माला है,
धर्म में तीन चार ऐसी आत्माएं हैं जो चोरी चकारी जैसी आत्माएं, भगवान बाप को कहा जाता है। निश्चय के आधार पर राजधानी स्थापन होती है, निश्चय के आधार पर राजधानी स्थापन होती है। हाँ, अभी निश्चय नहीं है, अभी निश्चय कम है क्या किसी का, तो राजधानी स्थापन नहीं होगी। जब निश्चय होगा तब राजधानी स्थापन होना शुरू होगी। जिनको अभी निश्चय हो रहा है, निश्चय बुद्धि विजयते की लिस्ट में जावेंगे। देह अभिमान पर पहली विजय है। जब देह अभिमान के ऊपर विजय प्राप्त होना शुरू होती है तो राजधानी भी स्थापन होना शुरू हो जाती है। पहले राजधानी का फाउंडेशन पड़ता है, या राजधानी की आखिरी स्टेज दिखाई पड़ती है, है? पहले फाउंडेशन पड़ेगा, फाउंडेशन पड़ेगा तो उस फाउंडेशन में वही आत्माएं पहुंचेंगी जो निश्चय बुद्धि होंगी। निश्चय बुद्धि होंगी तो देह अभिमान पर नंबर बार विजय प्राप्त करने वाली होंगी, और देह अभिमान पर विजय प्राप्त करने वाली होंगी तो देह के संबंधियों से भी मोह नष्ट होगा, देह के पदार्थों से भी मोह नष्ट हो जाएगा। ये नहीं हम खिचड़ी नहीं खाएंगे, या सारा जिंदगी खिचड़ी खा के कैसे जिएंगे? हाँ, जोर से बोलो ना। बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा तो अनंतम है, तो बाबा ने कहा कि बाबा अनंतम है, बैल के ऊपर सवारी करेंगे तो कैसे करेंगे? बैल के ऊपर सवारी कैसे की जाती है? छलांग लगा के की जाती है। हाई जंप लगाएंगे तो सवारी करेंगे, और साधारण पुरुषार्थ करेंगे तो कैसे सवारी करेंगे? बैल तो ऊंचा होता है और आदमी तो नीचा होता है। एक पुरुषार्थ होता है लेटे लेटे याद कर रहे हैं, उससे ऊंचा पुरुषार्थ होता है बैठ के याद कर रहे हैं, उससे ऊंचा पुरुषार्थ आज मुरली बताया चलते फिरते याद करो, लेकिन उससे भी बड़ा पुरुषार्थ है दौड़ते दौड़ते, पुरुषार्थ की दौड़ लगाओ।
उससे भी ऊंचा पुरुषार्थ है नहीं, उड़ो उड़ती कला का पुरुषार्थ, और उड़ती कला के पुरुषार्थ से भी ज्यादा ऊंचा है हाई जंप लगाने का पुरुषार्थ। तो वो लास्ट पुरुषार्थ है, तो जानवरियत के संस्कारों के ऊपर आखरीन विजय पाएंगे या नहीं पाएंगे? जानवर गधे को दिखाया जाता है, जानवर मनरूपी घोड़े को दिखाया जाता है, जानवर बैल को दिखाया जाता है। शिव के मंदिरों में बैल दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं? है? तो उसे कंट्रोल करेंगे या नहीं करेंगे कि नाली को ही सूंघता रहेगा? है? करेंगे। जब उसको कंट्रोल कर लेंगे, नाथ डाल देंगे, तो हम जहां चाहेंगे वहां ले जाएंगे। उन्होंने कम सर्विस की होगी तो उतना गायन नहीं है। कार्तिकेय ने ज्यादा सर्विस की है या कृष्ण ने ज्यादा सर्विस की है? कृष्ण कौन है, गणेश है या कार्तिकेय है? गणेश वाली आत्मा ही कृष्ण है। ज्यादा सेवादारी कौन है? पृथ्वी की परिक्रमा जल्दी किसने लगा ली? सारा खेल बुद्धि का है। तो जो ज्यादा सेवादारी है वो ही प्राप्ति करता है। और माया बुद्धि खराब कर देती है, त्रेता के अंत में हाँ माया बुद्धि खराब करेगी। कहाँ? इसीलिए तो एक घंटा से कम करके आधा घंटा कर दिया। एक घंटा बैठ बैठ करके ज्यादा बुद्धि इधर उधर बंदरों की तरह चला चला के सबका वाइब्रेशन खराब कर देंगे, इसलिए आधा ही घंटा बहुत काफी है। और योगियों का हार्ट फेल नहीं हो सकता है? हाँ जी, दुनिया में जो भयानक बीमारियां हैं उसका शिकार बन सकते हैं क्या? क्यों नहीं होगा? आगे चल के कोई दवाइयां नहीं मिलेंगी, कोई साधन नहीं मिलेंगे, तो कौन सा साधन होगा लोगों के पास? है? याद का ही साधन होगा, उसी से बीमारियां ठीक होंगी। योग से ही तो हम एवर हेल्दी बनेंगे कि दवाइयों से बनेंगे? याद से ही एवर हेल्दी बनेंगे। लंबी आयु होगी, देह अभिमान में आने से विकार आते हैं, विकार आने से शक्ति क्षीण होती है, शक्ति क्षीण होने से आयु कम होती रहती है। याद में रहने से हम आत्माभिमानी बनते हैं, जितना आत्माभिमानी बन के रहेंगे तो श्वास की प्रश्वास की प्रक्रिया धीमी हो जाएगी या बढ़ जाएगी? धीमी हो जाएगी, तो उम्र भी बढ़ जाएगी। और ज्यादा खाने से बीमारियां हो रही हैं या कम खाने से बीमारियां ज्यादा बढ़ती हैं? नेचुरोपैथी वाले क्या करते हैं? है?
कम खाना माना कम भोग करना। जो योगी है उनका भोग कम होता है, बुद्धियोग ज्यादा लगता है। रात को भारी भोजन खा के सो जाओ, पूरी और हलवा खा के सो जाओ और पेट भर के सो जाओ, और सवेरे को आंख खुलेगी कि नहीं खुलेगी? है नहीं खुलेगी? और खिचड़ी खा के सो जाओ, आंख जल्दी खुल जाएगी? और आपकी यात्रा के साथ अगर हम कोई रेकी की भी साधना करनी है तो हम कर सकते हैं? ये रेकी, ये योग की क्रियाएं जो दुनिया में होती है, आसन, ये प्राणायाम, ये 2500 साल से करते चले आ रहे हैं। बाबा की याद नहीं, मतलब बाबा को ही सामने रखो, कर सकते हैं। बाबा की याद में तो तुम विकारी इंद्रियों का कर्म भी कर सकते हैं। जो देवताओं के मंदिर दिखाए गए हैं सूर्य में, कोणार्क मंदिर, सूर्य मंदिर में, उनका भी इतना गायन है कि उन मूर्तियों को आज की भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट भी निकाल के बाहर नहीं कर सकती, गंदे चित्रों को। तब वो काम भी कर सकते हैं तो ये करने में कौन मना करेगा? करो। लेकिन चाहे आग पे चलो चाहे पानी पे चलो, फायदा कुछ भी होने वाला नहीं है। इन मनुष्य के बनाए हुए साधनों से स्वर्ग नहीं बनेगा। भगवान जो रास्ता बताते हैं वो साधन जब परिपक्व हो जाएगा तो फायदा स्पष्ट नजर आवेगा। जैसे पूरी है, कच्ची है तो नीचे रखी रहेगी, कढ़ाई के तल्ले में रखी रहेगी, और पूरी पक जाएगी तो ऊपर आ जाएगी। ऐसे ही भगवान के बताई हुई ये योग की प्रक्रिया है, जब परिपक्व स्टेज में पहुंचेगी तो सारी दुनिया को प्रत्यक्ष फल दिखाई देगा, पहले हमको महसूस होगा। अतीन्द्रिय सुख क्या होता है और इंद्रियों का सुख क्या होता है? बाबा जी, जो गीता ग्रंथ है जो गोरखपुर से छपके आती है सब है, तो उनके पास ही मूल प्रत भी होगी ना, जो व्यास के बनाए हुए, तो उनके पास असर भी। गीता प्रेस गोरखपुर वालों से पूछो तो चिट्ठी डाल के कि तुम्हारी प्रेस कितने साल पुरानी है। हाँ तो पूछो तो तभी तो पता चलेगा। गुरु गोरखनाथ के नाम पर गोरखपुर नाम पड़ा है या पहले से नाम पड़ा है? तो गोरखनाथ बाद में हुए हैं कलयुग में या पहले हुए हैं? तो गोरखपुर की गीता थोड़ी पुरानी है, सब तो वही गीता दिखती है, सब तो पर वही लिखा है। दिखाई पड़ती है क्योंकि सस्ती मिलती है। तो मूल प्रत तो होगी ना किसी के पास, तो जो व्यास से लिखी हुई गीता में जो भी श्लोक हैं वो सब मूल ही हैं। उसमें एडिशन बहुत सारा होगा, एडिशन मनुष्य ने बहुत सारा बाद में किया, एडिशन किया है टीकाओं में, श्लोक तो वही है। क्योंकि जो श्लोक गीता ग्रंथ में जितने सारे श्लोक है, महाभारत में स्पीच में इतने सारे श्लोक तो नहीं बताएगा। महाभारत में तो लाखों श्लोक थे, महाभारत पुराना है या गीता पुरानी है? गीता पुरानी है, बाद में गीता को उठा करके महाभारत में इकट्ठा कर दिया। माता पिता का ही नाम है, माता पिता के नाम
राम त्रेता का नाम है और कृष्ण सतयुग का नाम है और शंकर संगम युग का नाम है। तो जो शंकर है वो तो सारी सृष्टि का पिता है, उसका पिता कोई है ही नहीं, उसको प्रत्यक्षता रूपी जन्म देने वाला कोई भी नहीं है, उसके मुख से निकले हुए ज्ञान से सारी दुनिया के 500-700 करोड़ मनुष्यों की प्रत्यक्षता होगी, लेकिन सारी दुनिया के जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य रूपी पत्ते हैं वो बीज बाप को नहीं प्रत्यक्ष कर सकते, बाप को खुद आकर के अपना परिचय देना पड़ता है, बाप का परिचय बाप के सिवाय कोई दे ही नहीं सकता, तो उसके माँ बाप कहाँ से आ जाएंगे। प्राचीन ग्रंथों में ग्रंथों में पहले गणेश वंदना होती है, उसके बाद ग्रंथ आगे कंटिन्यू किया जाता है। तो वो शुरुआत गणपति का नाम डालने की शुरुआत परंपरा द्वापर युग से चालू हुई या कलयुग में चालू हुई? सीढ़ी के चित्र में गणेश कौन से युग में दिखाया गया है? अरे जानवरी की शुरुआत, मारामारी की शुरुआत, हिंसा की शुरुआत भारतवर्ष में कब से शुरू हुई? कलयुग में हुई। तो जिन ग्रंथों में वो पहले गणेश वंदना हो है, जिन ग्रंथों में पुराणों में सबसे पहले गणपति का नाम? नहीं, सब में नहीं है। जो वेद हैं, ब्राह्मण हैं, आरण्यक हैं, उनमें गणेश का नाम निशान भी नहीं है पहले। बाबा, हर शिव के मंदिर के पास है, हर शिव का मंदिर रहता है, उसमें बैल का इधर पोटिया दिखाते हैं, तो नासिक में कपालेश्वर मंदिर है, इधर पोटिया नहीं है, है? नासिक में कपालेश्वर महादेव का मंदिर है, उसके आगे पोटिया नहीं दिखाया, तो उसका क्या मतलब है? बैल नहीं दिखाया, वो कपालिक खुद ही बैल है। जो कापालिक होते हैं वो तांत्रिक क्रिया में होते हैं, कहाँ होते हैं? तांत्रिक क्रिया में कापालिक होते हैं, भूत प्रेतों की सिद्धि करने वाले। तो जो भूत प्रेतों की सिद्धि करने वाले हैं वो नीची विद्या है या ऊंची विद्या है? ये विद्या ही जानवरियत की विद्या है, आसुरी विद्या। और त्र्यंबकेश्वर के मंदिर में लिंग नहीं दिखाया, त्रि दिखाए छोटे त्र्यंबकेश्वर का, उसका नाम ही है त्रि अम्बा ईश्वर। तीन अम्बाओं का ईश्वर, तो तीन अम्बाएं दिखानी पड़ेगी, नहीं दिखानी पड़े? जो तीन माताएं दिखाएंगे तो माताओं की लिंगी होती है या लिंग होता है? क्या होता है? लिंगी होती है छोटी सी, तो छोटी सी लिंगी ही दिखावेंगे, लिंग कहां से दिखावेंगे? नहीं तो नाम ही साबित नहीं होगा। और
ओम शांति।